हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया था जो इस तरह से था, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो बहुत सारे टीचर ने बताया होगा कि चलो आप इसे याद कर लो और इसे डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। कहीं पे भी आपने अभी तक उसका प्रूफ नहीं देखा होगा, लेकिन जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में आप उसका प्रूफ देखोगे कि हीरो का फॉर्मूला कैसे आता है, उसका डेरिवेशन क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को ही यूज करके हीरोन का फॉर्मूला आया था, ठीक है। जैसे हीरोन्स होता है, जी आर ओ एन एस होता है, हम लोग हीरोज कह देते हैं। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सब मल्टीपल एंगल ऑफ 10। हम लोगों ने सब मल्टीपल ऑफ एंगल ऑफ साइन किया, कॉस किया, आज करेंगे सब मल्टीपल ऑफ एंगल ऑफ 10 और साथ में हमने देखना है कि हीरोन का फॉर्मूला कैसे आता है, राइट। चलिए, टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड, मतलब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टेंजेंट ऑफ एंगल, हाफ ऑफ द एंगल इट इज 10 ए बाई टू, ये क्या होगा इसका फॉर्मूला 10 बी बाई टू, इसका क्या होगा 10 सी बाई टू, इसका क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे स्लाइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है 10 ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, ये होता है। कैसे आएगा 10 ए बाई टू कैन बी रिटेन एज, ध्यान से देखेंगे, साइन ए बाई टू डिवाइड बाई कॉस ए बाई टू, ठीक है। और साइन ए बाई टू का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, आपको मैं दिखा देता हूं साइन ए बाई टू का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया, ड्राइव किया था अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। कैसे आया था आपको सारा कुछ पता है, एक और वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है, तो और अच्छा रहेगा। सो दिस इज अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड में बी सी था, ये अंडर रूट में था। और कॉस का जो फॉर्मूला आया था प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एस इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी, एस इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी, यही आया था, हमने इसी दो को यूज किया, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रीवियसली ड्राइव कर लिया उसी को यूज किया। सो ये बन जाएगा हमारा टेन ए बाई टू, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब ये मल्टीप्लाई क्यों, डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, चूंकि स्क्वायर रूट में तो सभी को एक साथ ले लेते हैं, बी सी डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस ए, ये एस इंटू एस माइनस ए ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहां से BC और BC क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग कैंसिल कर दिया। सो 10 A by 2 इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय S इंटू एस माइनस ए, ये हमारा 10 A by 2 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम लोग 10 b by 2 की बात करें, ठीक है, 10 b by 2 जो डेरिवेशन होगा इसी तरह से होगा, लेकिन आप यहां पे देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे, यहां पे 10 a by 2 था तो s माइनस a नहीं था, तो यहां पे s माइनस b नहीं होगा, तो s माइनस a इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय s इंटू, अगर a by 2 था तो यहाँ डिनोमिनेटर में s माइनस ए था, तो यहाँ पे हम b by 2 के लिए s माइनस बी करेंगे, ठीक है, सॉरी स्मॉल b आएगा। सिमिलरली tan c by 2 इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई s इंटू एस माइनस सी, यही तीन आ गया, ठीक है, हो गया ये हमारा। तो हाफ ऑफ एंगल 10 के फॉर्म में हो गया, हाफ ऑफ एंगल कॉस के फॉर्म में हो गया, हाफ ऑफ एंगल साइन के फॉर्म में हो गया। अब बात करते हैं पाइथागोरस हीरोन का फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल
क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल है, ध्यान से देखेंगे, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ओके, इसका ये हो गया ए बी सी। अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, अगर यहां से हम परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, सो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक, दैट इज ए, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, दैट इज ए डी, परपेंडिकुलर ए डी, यही होता है। नाउ ए डी को हम लिख सकते हैं साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज ए डी डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो इसके सामने इसके इस ट्रायंगल में इसके सामने हाइपोटेनस क्या है, सी, सो दिस इज सी, सो ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए इंटू बी साइन ए इंटू सी साइन बी, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, ए बी साइन सी, ठीक है, ए बी साइन ए सी साइन बी, वेट ए मिनट, ए सी साइन बी, ठीक है, ए सी साइन बी हो गया, राइट। सो ए ये हो गया, बी ये हो गया, और इसके बीच का जो एंगल होगा उसका साइन लेना है। अब साइन बी का वैल्यू क्या होगा, सो साइन बी इज इक्वल टू टू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, यही होता है। अब इसको देखिए, टू साइन साइन बी बाई टू का जो फॉर्मूला आया अभी अभी हमने देखा था, साइन बी बाई टू का फॉर्मूला एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, ये है हमारा टेन का, ये है हमारा कॉस का, और ये है हमारा साइन का। साइन बी बाई टू का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई सी ए, राइट। मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आता चला जाए, कहीं पे कोई दिक्कत हो। सो टू इंटू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी है ना सी, ठीक है, डिवाइड बाई हमारा क्या था यहां पे बी सी, सो वी कैन राइट हेयर ए सी, सो वी कैन राइट हेयर ए सी, ठीक है। और कॉस बी का फॉर्मूला हमने निकाला, क्या निकाला, एस इंटू एस माइनस, क्या निकाला था यहां पे आप देख लीजिए, कॉस बी का फॉर्मूला जो निकाला था ये आया था एस इंटू एस माइनस बी इंटू सी ए, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एस इंटू एस माइनस बी इंटू सी ए, दैट इज ए सी कर लेते हैं। सो ये हमारा साइन बी का है, सो वी कैन राइट हियर साइन बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, अब ध्यान से देखेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सारा कुछ आ गया, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे में अंडर रूट ए सी इंटू ए सी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ए सी हम लोगों ने बाहर ले लिया। ये हो गया साइन बी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन बी का निकल जाएगा, फिर इसी तरह साइन ए का निकाल सकते हैं, ठीक है, और सिमिलरली कॉस ए और कॉस बी का भी हम लोगों ने निकाल रखा है, ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला से, तो वहां से टेन ए और टेन बी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पे हमने साइन बी का निकाला और हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का टेक्निक, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला साइन बी इज इक्वल टू टू ओवर ए सी, राइट, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू ए इंटू सी, अब साइन बी का वैल्यू टू ओवर ए सी करेंगे और स्क्वायर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी,
यहां से 2 और यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आ गया, यही है हीट उनका फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक इलास्टिक की तरह बहुत ही लचीला चीज है, मतलब आप इसको अगर आप इससे खेलेंगे ना तो पता चलेगा कि जहां से चले थे वहीं पे आ गया, मतलब फिजिक्स के टर्म में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। सो बेसिकली हम लोगों ने जो जो किया थोड़ा सा रिकैप कर लें उसको, हमने कौन कौन सा फॉर्मूला किया, हमने किया ए साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी, एक तो ये किया। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी सी किया, और क्या किया, कॉस ए के बाद साइन ए बाई टू का फॉर्मूला हमने निकाला, क्या निकाला था अभी अभी यूज किया, याद रखना है एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइड बाई ए सी, सो साइन ए बाई टू का निकाला था हमने, चलिए आप भर लीजिएगा इसको। कॉस ए बाई टू का निकाला हमने, इसका क्या फॉर्मूला है आप देख लीजिएगा, फिर टेन ए बाई टू का फॉर्मूला क्या आया उसको देख लीजिएगा, फिर साइन ए का फॉर्मूला क्या आया अभी अभी निकाला, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आया, ये सब आप अपनी नोटबुक में जो है ना अच्छे से एक जगह लिख लीजिए, डेरिवेशन लिख लीजिए, बहुत ही काम आएगा आगे चल के। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट अभी हम लोगों ने थोड़ा सा एलिमेंट्री थ्योरी वाला पार्ट किया, और इसी पे बेस्ड हम एग्जाम्पल्स करेंगे एसएल लोनी का। अगर आपने बुक ले लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और एग्जाम्पल जो है हमारा एग्जाम्पल 26 है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, इसमें सातों क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे किस तरह से जो भी हमने प्रॉपर्टीज यूज किया, जो भी फॉर्मूला ड्राइव किया उसका यूज कैसे हम लोग इस लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे या कर रहे होंगे, कंटेंट को पूरा देखें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें जिससे जो भी वीडियो में बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।